Good morning. I'm just allow 1 minute. Let everyone join. People are still joining. उस समय वो पिया हुआ था नशे के इन्फ्लुएंस में था तो वो एकदम से रिजेक्ट हो जाता था उसको कोई एंटरटेन नहीं करेगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वो वॉइस कॉन्ट्रैक्ट होगा. गुड मॉर्निंग मैम. प्रूफ करना पड़ेगा स्टेटस का. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. जो पिया हुआ था मॉर्निंग ऑल वो तो बोलेगा कि मैं पिया हुआ था. सपोज टू जल्दी से हो गया. यू आर मार्क यू टू राइट. लेकिन सिंस सडनली इट हैज बीन कॉल्ड आउट है ना क्लासेस एज ऑनलाइन. सो विल जस्ट मैम आपका आवाज ओवर ओवरलैप. एक मिनट. यस मैम. यस मैम. अदर टीचर का आवाज आज सारा क्लासेस ऑनलाइन ही है ना. दो तीन केसेस जानते हो. सी आई सी. We were supposed to conduct our mock you today, but since it has been an online class, so आज हम लोग पढ़ाई करेंगे. ठीक है, जब क्लास में आप लोग आएंगे तब हम mock you देंगे. Yes ma'am. मतलब मैं next class में. next class में mock you होगा. ठीक है. Okay ma'am. Okay ma'am. क्योंकि ऐसे mock you fair नहीं होगा. इसीलिए. Yes ma'am. Okay. आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है. परफॉर्मेंस अप्रेजल तुम्हारे पहले यूनिट वाइज हम पहले ही बता चुके हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैम आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है.
बिल्कुल नहीं आ रही है बस यार, ये मैम आ रही है बट बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रहा है। यस मैम, यस। अच्छा, बेयर विथ इट, आई हैव जस्ट सेटल माय लैपटॉप हियर। मैम आप दूसरे क्लासरूम में चली जाइए, यहाँ पे अदर टीचर्स का आवाज आ रहा है। स्टैंड पे जाओगे, स्टैंड जगह पे चलो। मोनिका का डायरेक्शन आ गया है, मैम आप दूसरे क्लास में चले जाइए, यहाँ पे आवाज आ रही है। देखो क्लास खत्म हो जाएगा, दो मिनट वेट करो, ठीक है? Just to keep it. Okay. Chalo, camera on karo. There are certain topics in your syllabus. I would like to reshuffle it. Okay. Aap सीक्वेंस में नहीं चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा नॉट सो रिलेटेड टॉपिक्स भी उसी सीक्वेंस में है जो तुमको बाद में समझाएंगे हम। प्लेसमेंट और इंडक्शन है, वो छोटा छोटा टॉपिक है। आई वांट यू टू बी इन क्लास टू अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर टुडेज क्लास वी विल टेक अप द टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, आई थिंक इन पेरोल क्लासेस आल्सो आई हैव गिवन यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट, बट प्रत्यय यू वांट टू से समथिंग, यू रेज योर हैंड। यस मैम, एक क्वेश्चन था, रोल ऑफ एचआर पॉलिसीज में, फर्स्ट पॉइंट था, मैं कल पढ़ रहा है तो नहीं समझ में आता, तो छोटा था मैम, एक मिनट लगेगा। इट शुड इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय इज लुक्ड आफ्टर एंड देयर नीड्स आर रिस्पेक्टेड विद प्रॉपर बेनिफिट बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। इसका मतलब मैम, इसमें चार पॉइंट था और मैम हिंदी में समझ में आ गया। मैम इट्स मतलब रोल ऑफ एचआर पॉलिसीज का फर्स्ट पॉइंट है मैम, इट शुड इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय इज लुक्ड आफ्टर एंड देयर नीड्स आर रिस्पेक्टेड विद प्रॉपर बेनिफिट बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। जब एचआर पॉलिसीज का मतलब समझ गए थे कि पॉलिसी का मतलब क्या क्या होता है कि यस मैं समझ चुके हैं मैम, सब जितना जो पॉलिसी होती है, जैसे लीव की पॉलिसी है, अगर छोटा सा तुम सिर्फ एक एग्जांपल ले लो, वेज की पॉलिसी हुई, लीव की पॉलिसी हुई, ये सब क्या होता है, ये बनाते समय क्या एचआर अपने मन से कुछ भी बना देता है? नहीं, इन पॉलिसीज को फ्रेम करते समय ये जरूर दिमाग में रहता है कि इससे एम्प्लॉई को सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, इससे एम्प्लॉय हैप्पी होगा कि नहीं, उसकी नीड फुलफिल होगी कि नहीं, ठीक है? जैसे लीव की पॉलिसी, ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है कि 15 से 20 दिन का लीव, 15 भी नहीं 20 दिन का लीव पूरे साल में एक एम्प्लॉय को ऑन एन एवरेज जरूरी होता है अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब अगर लीव की पॉलिसी ही नहीं है, 10 लीव दे दिया, या लीव देने में बहुत प्रॉब्लम करता है, या उसने ऐसी पॉलिसी फ्रेम कर दी कि यू नो दे आर मेकिंग इट सो स्मार्टली कि लोग लीव ले ही ना क्योंकि डिडक्शन होगा, तो पर्सनल बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय का बेनिफिट्स है, वो तो नहीं देखा गया इसमें, पता है? नो मैम, नहीं ना। इसी तरीके से वेज और सैलरी का वेज और सैलरी की पॉलिसी, इसमें भी हजारों पॉलिसी ऐसी बनती है जो कंपनी का स्पेसिफिक होता है, तो वो फ्रेम करते समय द कंपनी हैज टू टेक इनटू अकाउंट द बेनिफिट्स एंड वेदर द नीड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। ठीक है, यस मैम,
इतना सारा मोटिवेशन का प्रिंसिपल पढ़े थे ना, थ्योरी पढ़े थे, उसमें क्या था, ज्यादातर थ्योरी तुमको नीड बेस्ड पढ़ाए थे हम, तो वो नीड किससे फुलफिल होती है, जो लोअर ऑर्डर नीड होता है, जो फिजियोलॉजिकल नीड, वो सैलरी से फुलफिल होती है ना। यस मैम। तो वेज और सैलरी का जो पॉलिसी है वो उसको भी फुलफिल करने में हेल्पफुल होता है। यस मैम। और कुछ किसी और को कोई डाउट? मैम जो हम लिखे हुए हैं मैम, जैसे एक जगह लिखे हैं हम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसीज आर, जिसमें हम सैलरी एंड वेज पॉलिसी है, एंटी हरासमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है, ग्रीवांस पॉलिसी है, ट्रेवल पॉलिसी है, सब है। लेकिन मैम उसी में हम लिखे हुए हैं इधर साइड में सम एग्जांपल्स ऑफ एचआर पॉलिसीज इन इंडिया, इन दोनों में अंतर क्या है मैम? ये भी तो एग्जांपल, ये भी तो एग्जांपल है, तो कुछ वो भी एग्जांपल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो ओवरलैप है, मतलब जो पहले तुम एग्जांपल्स लिखे हो वो सब कुछ तो इंडिया में होता ही है ना। कुछ पॉलिसी है जो इंडिया में इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी, हमारे यहाँ प्राइवेट आर्म्स अलाउड नहीं है ना, सिर्फ लाइसेंस्ड चीजें हैं। अब अमेरिका जैसी कंपनी में प्राइवेट आर्म्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आर्म्स मिल जाता है, तो वहाँ की कंपनी जो है वो पॉलिसीज में उनके आर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी होगा, हमारे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी आर्म्स एलिमिनेशन को लेकर के इतना प्रॉब्लम नहीं है। yes, यही डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। yes, और मैम प्रोक्यूरिंग और एक्विजिशन दोनों एक ही हुआ ना? हो गया, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है कल के लिए? मंडे आई डोंट हैव क्लास विद यू ना, ट्यूसडे? यस मैम, ट्यूसडे। ट्यूसडे बी रेडी फॉर मार्क्स, ओके? एंड ओके मैम, किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम। नाउ टुडे हम ले आपको थोड़ा बता दीजिए, क्या बता दो? क्या पूछा रही थी? Yeah, you just leave it here to go downstairs with me because I think that will be required. Okay, now in today's class we'll start with brief introduction of performance appraisal. जब पेरोल पढ़ा रहे थे तो आई थिंक कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बताए, बताए है ना? यस मैम। बोल दो बताए है कि नहीं, डर के मारे मत बोलो कि मैम पूछना शुरू कर देंगे। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? तुम्हारा अप्रेजल क्या हुआ, तुम्हारा एग्जाम, ये जो मार्किंग है वो तुम्हारा अप्रेजल है एक तरीके से। व्हाई, व्हाट पर्पस विल इट सर्व? आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन रखो, ठीक है, क्योंकि आई बिलीव कि ऑफलाइन में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, सो जस्ट कीप इट एन इंटरेक्शन क्लास फॉर दिस टॉपिक। तुम्हारे एग्जाम लेते हैं हम, तो उसे क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पता चलता है। और उस परफॉर्मेंस का क्या करते हैं हम लोग? इवैल्यूएट करते हैं, हम रिजल्ट बनाते हैं उसी साथ, अप्रेजल, ठीक है, और इवैल्यूएट, ठीक, ऐसा सब कुछ ठीक है। उसके बाद उसका क्या करते हैं? मान लो किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ गए, जिसका अच्छा नहीं है इसे माफ करना पॉसिबल ही नहीं, उसी के बेसिस पे उसका इंक्रीमेंट करते हैं मैम। नहीं नहीं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, जिसका मार्क्स खराब होता है मैम, क्लास 2 से क्लास 3 में भेजते हैं मैम, उसको इंक्रीज करते हैं, अगर क्लास 2 में अच्छा नंबर लाया तो उसको प्रमोशन होता है मैम, प्रमोशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अपने ऊपर अगर ये एग्जांपल सेट करो तो तुम ये सोचो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में तुम सोचो कि अगर तुम्हारा मार्क्स खराब होता है एज अ टीचर, फिर हमको ये थोड़ा सा वरी करेगा कि क्लास में पढ़ाने के बाद भी मैम प्लीज क्लास ले रही हूं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर किसी का खराब होता है तुम्हारा, तुम एग्जाम नहीं दे पाते हो सही से, इतना पढ़ाने के बावजूद तुम अगर आंसर नहीं करते हो, तो क्या हम उस पे अलग से ध्यान नहीं देंगे? जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
there must be some problem. I will look into the matter. Right? इसलिए क्योंकि BBA third semester सिर्फ 4-5 बच्चों से नहीं जाना जाएगा. Understood? सिर्फ 4-5 बच्चे 90% से ऊपर ले आए तो BBA third semester का overall productivity नहीं बढ़ेगा. और तुम लोग अभी student हो. Now draw this parallel to the organization. एक organization में हर इंसान की यानी एज एन एम्प्लॉय एवरी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज वाई एवरी एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मैटर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आपने ये सुना होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये आदमी साल भर काम किया तो इसका सैलरी बढ़ा. सुने हो? अप्रेजल हुआ. यस मैम. या फिर किसी का अप्रेजल हुआ और फिर ट्रांसफर हो गया. अप्रेजल हुआ, प्रमोशन हो गया, होता है ना. यस परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन प्रत्यय एंड रितिक इन क्लास. चल रहा है कुछ? अब यस मैम बोलो. यस मैम, हो गया लेकिन चल रहा था. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इट इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. किसी भी एम्प्लॉय का एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन जो होता है उसको माही डोंट राइट, आई विल मेक यू राइट इन द क्लास, जस्ट लिसन टू द लेक्चर. किसी भी एम्प्लॉय का जो सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सर्व करता है, लेकिन तुम्हारा अप्रेजल हुआ तो ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है ही है, तुम्हारे लिए भी. अगर इसके ऑब्जेक्टिव को हम बाइफोकेट करें तो इसका दो ऑब्जेक्टिव पता चलता है. एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दूसरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऑब्जेक्टिव सर्व करेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बताओ. बताओ क्या क्या फैक्टर्स डिटरमिन करेगा ऑर्गेनाइजेशन. अभी तो बता रहे थे ना तुम लोग सब. परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन, ठीक है, गुड. प्रमोशन एक प्रत्यय ने बताया, और ट्रांसफर ट्रेनिंग का जरूरत है तो उसको ट्रेनिंग देंगे. बहुत बहुत अच्छा. प्रमोशन बताया, ट्रांसफर बताया, ट्रेनिंग बताया, और टर्मिनेशन भी हो सकता है. टर्मिनेशन भी हो सकता है, गुड. एंड अच्छा ये बताओ, ये सब तो तुमने बताया, ये सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड. ऑर्गेनाइजेशन में People coming and leaving is a normal process. Organization में तो लोग join करेंगे और छोड़ेंगे भी. आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई employee जब organization छोड़ के जाता है तो manager tries to retain that employee. Manager उसको offer देगा कि आप लोग जाइए, हम salary बढ़ा देंगे, या फिर there is an appraisal waiting for you, why are you leaving the organization, what is the problem, we'll sort out your grievances, etc. ऐसा होता है, लेकिन हर एम्प्लॉय को तो नहीं रोका जाता है ना. नो मैम. तो कैसे एम्प्लॉयज को रोका जाता होगा ये बताओ. जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्थ है, ठीक है, ऑल दोज एम्प्लॉयज हु डू वैल्यू एडिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. तुम्हारे रहने से तुम्हारा प्रेजेंस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ऐड कर रहा है, तुम वैल्यूएबल हो, तुम वैल्यू एडिशन करते हो, तो हम तुमको रोकेंगे ना. सो आइडेंटिफाइंग हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है, अप्रेजल के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय हाई परफॉर्मिंग है. अगर वो छोड़ के जाना चाहे तो वी विल ट्राई टू रिटेन दैट एम्प्लॉय. ओके, ये सब हो गया. प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, और क्या बताया,
identifying high performance individuals, training need identification. हो सकता है कि देखो क्लास में एक ही टीचर सबको पढ़ाते हैं, सबको अलग अलग समझ में आता है, उसी पढ़ाई से किसी बच्चे को 90 आता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है. तो अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है देन इट मीन्स कि ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद उसको बाकियों से ज्यादा जरूरत है अटेंशन की, है ना. सो ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में. सम एम्प्लॉइज आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली. इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट द मैनेजर विल कॉल दैट पर्सन एंड आस्क हिम. And in that counseling session, may identify the fact कि हो सकता है कि इसको training की जरूरत है. Training need identification. यानी personally उसको किसी तरीके की training की जरूरत है. Maybe after training that person is able to perform properly. ये हुआ. तो इस तरीके से ये सारे objectives हैं जो appraisal को appraisal में help करते हैं. ये तो administration use हुआ, administrative use. सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी तुम्हारे लिए क्या यूज होगा ये बताओ जरा. तुम्हारे लिए क्या यूज होगा इसका प्रेजेंट का, एज एन एम्प्लॉय सोच के बताओ. मैं अप्रेजल होगा तो मोटिवेटेड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स. ठीक है, अप्रेजल क्या किस बेसिस पे होता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है. सो तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर इक्वल appraisal hota hai, you feel motivated, you feel happy, you get an impetus to work harder. Okay, aur kuch Gaurav, want to add something? Mahesh, I feel acha laga recognition. I think this will be included in the point that Anisha just said. Abhina? Yes ma'am. अप्रेजल का तुम्हारे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? हाउ इज अप्रेजल सर्विंग योर पर्पस? मैम सेट द गोल्स टू अचीव. नो, हाउ विल अप्रेजल हेल्प यू इन सेटिंग गोल्स? देखो तुमको ये पता, तुम्हारा असेसमेंट होता है, तुम्हारी मार्किंग होती है, जब तुमको टेस्ट का मार्क्स मिलता है तो तुमको पता है ना कि तुम कहां स्टैंड करते हो. ये समझ में आता है? यस. तो सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है. By performance appraisal, you understand how much and where you stand in the organization. तुम्हारे अपने कैलिबर में, तुम अपने कैलिबर से कैसा परफॉर्म कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ये पता चलता है. Now, a good manager in the organization is considered to be the one who will appreciate you in front of everyone, but reprimand you इन आइसोलेशन. ठीक है, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो तुम्हारा एप्रिसिएशन तो सबके सामने करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे में कोई फॉल्ट है या तुम्हारे में किसी चीज का इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो वो तुमको पर्सनली बुला कर डील करेगा. क्योंकि अगर पब्लिकली ये बात बोली जाए तो आप ह्यूमिलिएटेड फील करेंगे. होता है ना क्लास में अगर आपको बिल्कुल सबके सामने डांट पड़ती है तो थोड़ा ह्यूमिलिएशन तो फील होता है. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग. द मैनेजर, अगर मैनेजर को लगता है कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट उस हिसाब से नहीं है जैसा होना चाहिए, देन विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये भी होना चाहिए कि स्पिरिट कोऑपरेशन का होना चाहिए कि वो तुमको सच में इम्प्रूव करना चाहता है. विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यू विल बी कॉल्ड और फिर तुमसे डिस्कशन होगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करते हैं हम मिलकर. उसी दौरान ट्रेनिंग नीड का आइडेंटिफिकेशन होता है. समझ में आया? ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड्स होता होगा ना, कि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ मेथड से परफॉर्मेंस अप्रेजल करती होगी. अगर तुम परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को पढ़ो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को ब्रॉडली इसके मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. पहला ट्रेडिशनल मेथड्स, दूसरा मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है कि पास्ट ओरिएंटेड है ये सब, यानी ये परफॉर्मेंस बेस्ड है. जो परफॉर्मेंस तुमने कर दिया उसकी रेटिंग जब तुम देते हो तो उसको कहते हैं पास्ट ओरिएंटेड मेथड से
मेथड्स में भी बहुत सारा मेथड्स है, उसमें से कोई एक मेथड किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता होगा तो उससे तुम्हारी रेटिंग। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मेथड है इसका मतलब है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और मॉडर्न मेथड्स आर बताओ, मॉडर्न मेथड्स कैसा होगा? फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, यानी ना सिर्फ तुम्हारे पास परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करेगा बल्कि ऑल्सो ऑन द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट यू हैव। इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो एक्टिविटी है एचआर की किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी होती है। बहुत सारे टास्क्स को टास्क के फुलफिलमेंट के लिए जब आप मेथड्स की बात करते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ रिसोर्सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड से अप्रेज करती है। अच्छा, पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स में बहुत सारा मेथड्स आता है, जैसे पहले होता था ये, अभी भी होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब तुम सोच के बताओ कि सबसे ट्रेडिशनल मेथड क्या होता होगा, तुम्हारा अप्रेजल किस तरीके से हो रहा है, कौन कर रहा है तुम्हारा अप्रेजल? कौन कर रहा है तुम्हारा अप्रेजल? तुम्हारा बॉस करता है, यही ना कि तुम्हारा बॉस करता है तुम्हारा अप्रेजल। तुम्हारा पेपर कौन करेक्शन करता है? जो तुम्हारी टीचर है वो करेक्ट करती है। उसी तरीके से अप्रेजल कौन करता है? जो तुम्हारा इमीडिएट बॉस है वो बताता है, वो अप्रेजल करता है। लेकिन ये क्लास तुम एकदम सिलेबस पे कन्फाइन मत करना, हम तुमको एक जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बता रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब जो अप्रेजल का मेथड लाया गया वो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लाया गया, क्योंकि बिजनेस का डायनामिज्म चेंज हो गया, बिजनेस बहुत डायनामिक है। आपको याद है एक टाइम था, या अभी भी छोटे छोटे जगह पे आप कभी अगर किसी का पटना के बाहर घर वगैरह होगा तो आप देखेंगे दो तीन दुकान फिक्स होती है आपके घर की, पेटेंट, कपड़ा खरीदेंगे तो वहीं से खरीदेंगे, ऐसा होता है? यस मैम। सोनार का दुकान फिक्स्ड है, घर में किसी का भी सोना बनेगा तो उसी के दुकान से बनेगा, होता है? लेकिन अभी बिजनेस जिस तरीके से चेंज हुई, क्या कस्टमर को रिटेन कर पाना इतना आसान है? नो मैम, नहीं है। पहले क्या होता था कि आप टाइम निकाल करके जाइएगा उसी दुकान से खरीदिएगा सामान, अब उसके लिए तुमको आधा घंटा वेट भी करना पड़े उस शॉप के बाहर, तो तुम करोगे शॉप कि खरीदेंगे तो यहीं से खरीदेंगे, तो कस्टमर भागने की टेंडेंसी बहुत कम होती थी। ओके, दूसरी बात, पहले जब सिर्फ बॉस आपका रेटिंग करता था तो क्या होता था, तुमको ये लगता था कि जो साथ में काम कर रहा है उससे क्या मतलब है, सिर्फ बॉस को खुश रखो, जो तुम्हारे नीचे काम कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है, उसको डांट के भगा दो, वो काम कर रहा है ठीक से नहीं कर रहा है, उसको हेल्प करना है कि नहीं करना है, छोड़ो क्या जरूरत है, सिर्फ खुश किसको रखना है? बॉस को। बॉस को। ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल का ट्रेडिशनल मेथड। अभी के टाइम पे देखते हो जो तुम जोमेटो से खाना मंगाते हो, मंगाते हो, रेटिंग मांगता है? यस मैम। यस मैम। किसका किसका रेटिंग मांगता है? डिलीवरी बॉय के बिहेवियर का, फूड क्वालिटी का। फूड क्वालिटी का, यानी रेस्टोरेंट की भी रेटिंग मांगा और डिलीवरी बॉय का भी। ओला लेते हो कभी? ओला राइड लिए होगे। ओला में किस किस फैक्टर पे रेटिंग होती है? ड्राइवर के मैम और कंपनी वाला। और कार क्लीन था कि नहीं, ठीक है, मास्क पहना था कि नहीं ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर का बिहेवियर कैसा था? तुम अगर ड्राइवर ड्राइव लेके उसको कैंसिल कर देते हो, अगर ड्राइव लेकर के उसको कैंसिल कर देते हो फिर एक रेटिंग मांगेगा तुमसे कि तुमने कैंसिल क्यों किया, क्या तुमने शॉर्टर वेटिंग टाइम किया था या उस ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, ठीक है? अगर वो ड्राइवर कैंसिल किया और तुमने वो रेटिंग डाली तो ड्राइवर से सवाल जवाब होता है कि आपने क्यों कैंसिल किया, क्यों कस्टमर एक को एक मना किया। ये सारा सिस्टम डिजाइन किया गया है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, समझ में आई बात?
उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये सारा फैक्टर्स ऐड होता है. व्हाई? देखो, इंडिया में सर्विस सेक्टर हमेशा से इतना शानदार नहीं था. द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली. आपको पता होना चाहिए कि 54% यानी लगभग 54% लगभग 54% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से होता है. अब इस सर्विस सेक्टर में बैंक आता है, सर्विस सेक्टर में इंश्योरेंस आता है, सर्विस सेक्टर में टूरिज्म आता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आता है, होटल इंडस्ट्री आता है, रियल एस्टेट आता है, एवरीथिंग. अंडरस्टूड? तुम अगर कहीं घूमने जाते हो, किसी होटल में रहते हो, कितनी रेटिंग पूछी जाती है उस होटल के बारे में? तुम किसी रेस्टोरेंट से आओ, जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, हम इसीलिए तुमको बोले, पहले ही बोल दिए कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड डिवाइस करने के लिए रिसोर्स का फुलफिलमेंट भी देखना जरूरी होता है. कितनी रेटिंग मांगता है वो? मांगता है ना. तुम होटल के स्टाफ से कैसे भी बिहेव करो, दे विल एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग प्रोसीजर दे विल कीप टॉकिंग टू यू वेरी वेरी हम्बली इवन इफ यू आर रॉन्ग. ओके. सर्विस सेक्टर स्पेशली बिहेवियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है. तुम्हारे साथ अगर किसी रेस्टोरेंट में बदतमीजी हो गई तो बहुत फेयर चांसेस है कि तुम वहां नहीं जाओगे, राइट? तो ऐसे फैक्टर्स को आज के टाइम पे तुम जहां पे भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट होके मॉडर्न मेथड्स में आए. एक तुम्हारा बिहेवियर और दूसरा तुम्हारा टीम बिल्डिंग, your ability to work in a team. Okay? Gone are those days when your individual performance was the sole indicator of how you are in the organization. Now, ये possible हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का join किया, तुमसे कम काम किया वो, ठीक है, तुम उससे ज्यादा regular थे, तुम उससे कम छुट्टी लिए, तुम भी perform किए, लेकिन शायद उसको उसका appraisal तुमसे बेहतर आया. क्यों? क्योंकि मे बी वो टीम वर्क में तुमसे बेहतर है. समझ में आएंगे बात? तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स अपॉन व्हिच परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपेंड्स. तुम लोग कस्टमर केयर कॉल किए हो? यस मैम. कस्टमर केयर कॉल करते हो? जब कॉल कर लेते हो उसके बाद उसकी रेटिंग देते हो? यस मैम. देते हो? अभी देखो, ये जो Zomato का डिलीवरी बॉय होता है, इसको हर रेटिंग पे 10 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी देती है. 10 रुपए एक्स्ट्रा हर रेटिंग पे Zomato के डिलीवरी, इसीलिए ये लोग इतना एम्फेसिस देता है इस बात पे कि सर रेटिंग कर दीजिएगा प्लीज. देता है ना, कहता है ना, रिक्वेस्ट करता है तुमसे. ओला वाला भी तुमको रिक्वेस्ट करेगा कि मैम रेटिंग कर दीजिए या सर रेटिंग कर दीजिए. ये अ पार्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल. इंसेंटिव डिसाइड हुआ इससे? Incentive decide हुआ ऐसे? हुआ ना? So performance appraisal का एक objective incentive decide करना भी होता है. Okay? चलो आज की क्लास में ही रहने दो. In the next class we will take mark you. पढ़ के आना अच्छे से. Wait, attend your role. Yes, ma'am. और अभी आप लोग सब अपना अटेंडेंस अटेंड करेंगे. जो अटेंड नहीं करेगा, एकदम डोरमेंट होकर के भी बहुत लोगों ने क्लास किया, जो जिसको अटेंड नहीं करना नहीं करेगा जो अभी, उसको फिर बाद में मैसेज नहीं आना चाहिए मेरे पास. हम माफ नहीं करेंगे. रोल नंबर 1, 2, रोल नंबर 2 में 3, प्रेजेंट मैम रोल नंबर 3, 4, प्रेजेंट मैम रोल नंबर 4, 5, यस मैम, 6, 7, 7 प्रेजेंट, 8, 9, प्रेजेंट मैम, 10, प्रेजेंट मैम, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes, ma'am. 16. Aditya? Yes, ma'am.
म्यूट कर लो बाबू, तुम लोग जो भी अटेंडेंस इसका है उसको दिक्कत होगी सुनने में. 42 प्रेजेंट मैम. और ऋतिक कहाँ गया? अभी तो था क्लास में. ऋतिक था मैम, थोड़ा सा नेट पर. 51 प्रेजेंट मैम. 53 मैम. चलो बन गया अटेंडेंस. ठीक है, कम टू द क्लास विथ योर प्रिपरेशन. मैम सेकंड मेथड क्या बताएं? फर्स्ट तो ट्रेडिशनल है. सेकंड मॉडर्न मेथड्स क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, ये पूरा यस मैम बता दूंगी. हां, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.